ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सर्वसाहूणं, एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च पढ़मं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमम् अरहंत लुगुत्तमम् सिद्ध लुगुत्तमम् साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरहंत शरणं पौवज्जामि सिद्ध शरणं पौवज्जामि साहु शरणं पौवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पौवज्जामि परम पूज्य चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज राजा प्रजापाल जब वन विहार के लिए निकलते हैं तो एक बगीचे में श्रीपाल के साथ भेंट होती है और वहां चर्चाएं वार्ताएं करते करते श्रीपाल के गुणों से प्रजापाल राजा प्रजापित प्रभावित हो जाते हैं और फिर ऐसी बातों बातों में अकस्मात उनका मन अपनी पुत्री की तरफ जाता है। मैना सुंदरी का स्मरण हुआ था उनको और फिर श्रीपाल से प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, यदि आप कोई भी वस्तु मांगो हमसे तो इस समय हम इतने प्रसन्न हैं कि आपको जो मांगो देने के लिए तैयार हैं। श्रीपाल पहले तो सोचते रहते हैं कि इनसे क्या मांगे, फिर भी थोड़ी देर रुक करके बोलते हैं कि कोई भी वस्तु। तो राजा कहता है कि कोई भी वस्तु। तब श्रीपाल बोलते हैं कि सुना है कि आपकी
पुत्री राजकुमारी मैना सुंदरी, आरिकाओं से अध्ययन करके बड़ी विदुषी हो गई है और अभी विवाह योग्य है, तो क्या मुझसे आप अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं? पहले तो राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि मैंने वचन दिया है कि ये जो मांगेंगे दे दूंगा, और फिर वो बात याद आती है कि मेरी बेटी ने कहा था कि सब पुण्य पाप का ही चमत्कार है, संसार जो कुछ भी है वो सब पुण्य पाप का खेल है। तो एक तो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, और दूसरी बात उस अभिमानी बेटी की परीक्षा भी इसमें हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो स्वीकृति देने वाले थे तो फिर मंत्री लोग राजा को एक स्थान पर ले जाते हैं, अलग ले जाते हैं और निवेदन करते हैं कि राजन ये आप क्या कर रहे हैं, एक अपरिचित अनजान व्यक्ति जिसके आसपास कुछ लोग हैं, सब के सब रुग्ण हैं, सब लोग कुष्ठ से पीड़ित हैं, आप इनकी बातों से प्रभावित होकर आप क्या समझ करके ऐसा निर्णय ले रहे हैं? राजा को कभी भी कोई बड़ा निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए, विद्वत जन, मंत्री जन और घर के बड़े पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे वार्तालाप करने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। तब राजा प्रजापाल कि तुम लोग मुझे बहकाना चाहते हो, क्या इस निर्णय में कोई त्रुटि दिखती है तुम्हें? इतनी देर जो मैंने इनके साथ वार्तालाप किया है इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मनुष्य नर रत्न है, आज ठीक है बीमार है जो भी स्थिति है इसकी, लेकिन वार्तालाप से ऐसा नहीं लगता कि ये कोई दरिद्र कोई हीन मनुष्य हो, इसलिए मुझे तो ये रिश्ता पूर्णतः स्वीकार है। आप लोगों को क्या कहना है जल्दी बोलो। तब मंत्री जन निवेदन करते हैं कि अपनी पुत्री की दो बातों पर आप इतने रुष्ट होकर आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, हम लोग केवल सुझाव दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, पर आप जो भी करेंगे ये स्मरण रखिए कि उससे आपकी अपकीर्ति कभी मिटने नहीं वाली, ऐसी अपकीर्ति आपको प्राप्त होगी। आपको जो अपयश मिलेगा इस निर्णय का वो युगों युगों तक बना रहेगा, इसलिए ऐसा निर्णय हमारे सुझाव अगर आप माने तो मत कीजिए, और उस पुत्री का जो भी अपराध है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यद्यपि वो तो नादान बालिका है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी बातों का आपको इतना आघात होगा, उसने सहज रूप से जो आपने प्रश्न किए उसके उत्तर दे दिए थे और आप इतना बुरा मान गए, ऐसी उसको कल्पना भी नहीं, और आप उसको ऐसा दंड देने जा रहे हैं। माता पिता तो संतान के हितकारी होते हैं, और यदि आप पिता होकर अपनी पुत्री को एक अपरिचित ऐसे जिसके घर का भी ठिकाना नहीं है, जो बगीचे में अपने कुछ साथियों को लेकर के बैठा हुआ है, इसके लिए आप अगर अपनी पुत्री को प्रदान करेंगे तो फिर उसका भविष्य क्या होगा, इस पर भी आप विचार कीजिए। कन्या का भविष्य क्या होगा? तब श्रीपाल के साथ विवाह की ठान लेने वाले राजा प्रजापाल ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग इन भावुकता की बातों के द्वारा मुझे अपने निर्णय से डिगाना चाहते हो। जब मेरी बेटी का कहना है कि अपने पुण्य पाप से सुख दुख सारे उपलब्ध होते हैं,
तो फिर अब इस विवाह में क्या बाधा है? उसका पुण्य होगा तो सब ठीक होगा, नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूं? और मैं भी जो निर्णय कर रहा हूं वो उसके ही कर्मों के उदय से कर रहा हूं। मैं जो निर्णय कर रहा हूं क्या मैं कोई हस्ती हूं क्या? उस मैना सुंदरी मेरी बेटी के सामने मैं कोई वस्तु हूं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उसी के पुण्य और पाप सब कुछ है, क्योंकि वो भाग्य पर विश्वास करने वाली है, इसलिए उसके जैसे भाग्य में जो कुछ होगा वो उसको स्वीकार है, और अच्छा होगा तो अच्छा होगा, वरना अगर उसके कर्म का उदय हुआ तो फिर जैसा है सो होगा। मैं कौन होता हूं? मैं इसमें मंजूरी दूं या न दूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर मंत्रियों ने समझाया कि राजन, आपको बाद में बहुत पछतावा होगा, अभी आप आवेश में ऐसी बातें कर रहे हैं, आप उसकी शब्दों को पकड़ करके बहुत नाराज होकर के ये सब प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, बाद में बहुत दुख होगा आपको, आप ऐसा निर्णय मत कीजिए। बहुत मनाते हैं लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं होते, और राजा एकांत में आकर श्रीपाल से कहते हैं कि श्रीपाल, मैं तो पूरी तरह से राजी हूं, और एक पिता के नाते मैं आपको अपनी पुत्री मैना सुंदरी प्रदान करता हूं, बाकी जो कुछ भी तैयारियां हैं वो अभी मैं जाकर नगर में व्यवस्थित करता हूं। मंत्री लोग स्तब्ध रह जाते हैं, उनके लाख समझाने पर भी राजा टस से मस नहीं होता। और फिर जब राजा वापस अपने महल में आता है तब सबसे पहले पुरोहित से वार्तालाप करता है, फिर जो सबसे बड़े विद्वान थे उस नगर में, ज्योतिर्विद्या के सबसे बड़े जानकार थे ज्योतिषी, उनको सम्मान पूर्वक आमंत्रित करके दक्षिणा के साथ मुहूर्त निकालने के लिए आदेशित करता है। वो मुहूर्त निकालने बैठते हैं तो मुहूर्त निकालता है, काफी गणित वगैरह करने के बाद मुहूर्त निकालता है कि आज ही शाम का मुहूर्त है, और इससे अच्छा मुहूर्त 30 वर्ष के पश्चात पुनः आने वाला है। 30 वर्ष। अब राजा को लगता है कि फिर इतनी जल्दी तैयारियां करनी पड़ेगी, हो जाएगी, हमारे यहां तो सब कुछ हो सकता है। राजा तुरंत आदेश देता है कि जल्दी से तैयारियां की जाए, और जब राजा उसको दक्षिणा देना चाहता है, पूरा वायदा किया कि इतनी दक्षिणा देंगे हम आपको और मुंह मांगा इनाम देंगे, ज्योतिष भी बड़ी प्रसन्नता से आए थे, लेकिन जब वो सब लग्न शोधन वगैरह करने के बाद सारी परिस्थिति को वो अपनी ज्योतिर्विद्या से समझ लेता है, तब फिर राजा से कहता है कि राजन, इस दक्षिणा को लेकर मैं पाप नहीं कमाऊंगा, क्योंकि आपने जो निर्णय किया है वो किसी काल में प्रशंसा के योग्य नहीं माना जाएगा। आपने ये मुहूर्त तो श्रेष्ठ है, लेकिन जिसके साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, कभी कोई माता पिता स्वप्न में भी अपनी संतान को ऐसी विपत्ति में नहीं डाल सकता जैसी विपत्ति में आप उस निरपराध राजकुमारी को डालना चाहते हैं, इसलिए मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। और एकदम दक्षिणा लिए बिना वो ज्योतिष वहां से राज दरबार से बाहर चला जाता है। राजा एक मतलब थोड़ा सा धक्का तो लगता है राजा को, फिर अपनी रानी से मिलता है, निपुण सुंदरी से, और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, एक बहुत सुंदर अच्छा एक योग्य वर मुझे प्राप्त हुआ है, बीमार है लेकिन गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ है। तब रानी कहती है कि जो आपका निर्णय है वो मेरा निर्णय है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन उस वर को मैं देखना चाहती हूं कैसा है। वही बात जो सती सुर सुंदरी की कथा में थी, माता पिता कन्या
रिश्तेदार, बंधु बांधव और बाकी जो मेहमान हैं, इन सब की दृष्टि किस पर होती है विवाह के उत्सव में? कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवाः कुल मिच्छन्ति, मिष्टान्न मित्रे जनाः। क्या कन्या जो होती है वो वर के रूप पर विशेष ध्यान देती है, माता जो होती है उसके आमदनी और उसके धन वैभव पर ध्यान देती है, पिता उसकी विद्वत्ता को देखते हैं, प्रजापाल राजा उसी से प्रभावित हुए थे, श्रीपाल की विद्वत्ता से, और जो रिश्तेदार होते हैं वो उसका कुल देखते हैं कि कौन से कुल, कौन सी जाति का लड़का है, इस पर ध्यान देते हैं, और मेहमान लोग मिठाइयां देखते हैं, उनको और किसी से कुछ लेना देना नहीं, मिठाई मिले बस हमें मंजूर है रिश्ता। तो यहां मां उसको देखना चाहती थी और फिर उसकी धन संपत्ति आदि सारी चीजें जानना चाहती थी कि कैसे आर्यिका से पड़ी हुई बेटी को हम किसके लिए देने जा रहे हैं, कुछ जानकारी तो हो। लेकिन राजा प्रजापाल कहता है कि अब तुम देखो जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है, अब उसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं है। तब निपुण सुंदरी बोलती है कि उसको क्या बीमारी है, तब राजा बोलते हैं कि उसको कुष्ठ व्याधि है। तो एकदम उसको चक्कर सा आ जाता है निपुण सुंदरी को सुनकर कि मेरी ये सुकुमारी बेटी एक कोड़ी के साथ ब्याही जाएगी, फिर वो कहां कहां भटकती फिरेगी, उसका घर कहां पर है? बोले कि नहीं, घर नहीं है, वो घर छोड़ करके बगीचों में निवास करता है, क्योंकि उसकी दुर्गंध से कोई वहां ठहर नहीं सकता, पर मैं उसके गुणों से बहुत प्रभावित हूं। ऐसी सब बातें करके बस उसको क्या था, राजा प्रजापाल को उस समय एक धुन सवार थी, और वो उस बेटी के उन वचनों का बदला लेने की भावना से ये सब करना चाहता था। एक क्षण के लिए श्रीपाल के ऊपर थोड़ा सा क्रोध आया था उसको, क्रोध सिर्फ इतना आया कि ये ऐसी दशा में होते हुए भी मेरी पुत्री की याचना कर रहा है, ये अपनी अवस्था नहीं देखता। लेकिन दूसरे ही क्षण विचार बदल गया कि मेरी पुत्री ने मुझे चुनौती दी थी, मेरी पुत्री ये कहती थी कि कौन किसका क्या कर सकता है, सब अपने पुण्य पाप का फल है, तो ठीक है फिर मेरी पुत्री की परीक्षा हो जाएगी इस संबंध से, फिर देखता हूं मैं आगे क्या है। और फिर जब नगर वासियों को इसकी जानकारी होती है कि कोड़ी के साथ राजकुमारी का विवाह निश्चित हुआ है और शाम को ही फेरे पड़ने वाले हैं, और राजा का आदेश है कि जल्दी से जल्दी पूरी तैयारियां की जाए, और ऐसी तैयारियां की जाए जैसी तैयारियां जब राम अयोध्या वापस लौट करके आए थे तब की गई थी। बहुत जल्दी 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 सारी उज्जैनी को अयोध्या जैसा सजा दिया गया। लेकिन उस समय कुछ मुसाफिर व्यापारी लोग जो बाहर गांव से आने वाले थे, घोड़े पर सवार होकर के आते थे, कुछ गाड़ियों में आते थे, बैलगाड़ियों में, कुछ हाथियों पर, तो वो जब देखते थे कि इस नगरी में कोई बड़ा उत्सव होने जा रहा है, और साथ में जब उन तैयारियां करने वालों के मुखमंडल को देखते थे तो उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये तैयारियां कोई शोक सभा की है या कोई बड़े उत्सव की है, क्योंकि जितने लोग चौक पुर रहे थे, जितने लोग मंडप बांध रहे थे, जितने लोग और अलग अलग प्रकार की तैयारियां कर रहे थे, सबके मुखमंडल मलिन थे, म्लान थे, दुखी थे। तो वो बाहर से आने वाले लोग बड़े चकित थे, आश्चर्यचकित थे कि ये है क्या आखिर। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक घंटा, दो घंटा, एक पहर, दो पहर, और वो मुहूर्त आ गया जिस समय
विवाह निश्चित किया था। फिर श्रीपाल को वर राजा को लाने के लिए राजा प्रजापाल ने अपनी घोड़शाला का सबसे श्रेष्ठ घोड़ा भिजवाया और जब वहां से धूमधाम से बारात आई, बाजे बज रहे थे लेकिन बाजे बजाने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे जैसे वो इस तरफ देखते थे घोड़े के ऊपर सवार, और खूब अच्छे अच्छे उपटन लेप वगैरह सारे श्रृंगार साधन श्रीपाल के शरीर पर लगाए गए थे, लेकिन तो भी कोढ़ी को कितना भी सजाया जाए वो शोभा कहां से आ सकती है। त्वचा पूरी विवरण थी, कई स्थानों पर मवाद और बड़े बड़े घाव थे जिनको उन उपटनों से ढांका गया था और फिर अच्छे जरी वाले कपड़ों से लपेटा गया था, बांधा गया था ताकि देखने में भद्दा न लगे। पर फिर भी वो तो स्पष्ट दिख रहा था कि ये भयंकर रूप से बीमार है और इसको ऐसा कोढ़ है कि जो अभी महीने दो महीने में भी ठीक हो जाए ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता, लगता है बरसों बीत जाए तब जाकर के इस व्याधि में कुछ कमी आ सकती हो, अगर आ जाए तो आ जाए अन्यथा कोई ठिकाना नहीं, इतना बुरी तरह से शरीर बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, जो मतलब राजकुमारी से परिचित जो उसकी सखियां थी उनके तो आंसू थम ही नहीं रहे थे, घंटे बीत गए थे रोते रोते लेकिन फिर भी उनके आंसू थमते नहीं थे। उनको लगता था कि आज हमारी सखी राजकुमारी किसके साथ यहां से विदा होने जा रही है और इसके भविष्य में क्या लिखा है भगवान जाने, कैसे अंधेरे दिन इसके जीवन में आने वाले हैं कोई नहीं जानता। और इससे अच्छा तो ये रहता है कि अपने पिता से क्षमा मांग लेती और अपने शब्द वापस ले लेती, क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, मैना सुंदरी बहुत अटल है, जो आर्यिका माता जी ने ज्ञान दिया है उसमें कोई अदला बदली उसको पसंद नहीं है, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, वो कभी अन्यथा बोल नहीं सकती। बहुत दुखी थी वो सब, और फिर माँ की क्या दशा होगी इसका तो वर्णन करना, उस वास्तविकता को घटाना होगा, इतनी पीड़ा थी माँ को। लेकिन पिता की हट के आगे किसी की कुछ भी नहीं चली, और जिस समय वो मुहूर्त आ गया तब वर राजा को वहां बैठाला गया, बाजू में मैना सुंदरी को बैठाने की तैयारी हो रही थी, तब प्रजापाल ने कहा कि देख तेरा विवाह आज निश्चित हो गया है और एक कोड़ी के साथ हमने तुम्हारे विवाह का संबंध निश्चित किया है। मैना सुंदरी ने हाथ करके कहा कि प्रणाम पिताजी, आपने जो भी किया होगा उसमें मेरा हित होगा, क्योंकि माता पिता कभी भी संतान का अहित नहीं करते, और आपने जो भी रिश्ता किया वो मुझे मन वचन काय से स्वीकार है। यही भारतीय कन्या की एकमात्र मर्यादा है। तो फिर पिता बोलते हैं कि अभी भी तेरा अभिमान दूर नहीं हो रहा है। तो राजकुमारी बोलती है कि पिताजी मेरा तो कोई अभिमान नहीं है इसमें, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे पुण्य से आप जैसे पिता मिले और आप जैसे पिता ने जो निर्णय किया वो भी मुझे अपने भाग्य से स्वीकार है। तब फिर पिता के मन में फिर वो बात आती है कि देखिए अभी भी पुण्य और भाग्य के पीछे लगी है, ठीक है ये विवाह तो बिल्कुल सही हो रहा है। फिर एक मौका पिता फिर देता है कि देख मैना अभी भी जिद कर रही तू, अगर अभी भी तू अपना विचार बदलना चाहे तो बदल सकती है। तो फिर मैना सुंदरी एकदम पिताजी को कहती है कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपने निर्णय कर लिया और सब कुछ हो चुका है, पूरी तैयारियां हो गई है और आप वचन भी दे चुके हैं, तो मेरे जीवन में वो ही मेरे स्वामी होंगे, बाकी संसार के समस्त पुरुष मेरे लिए भाई पुत्र और पिता के समान रहेंगे,
ये आज मेरी प्रतिज्ञा है। तब फिर राजा प्रजापाल सोचता है कि होने दो, इसका जो होना है देखेंगे आगे, इसको इतना भाग्य और कर्म पे भरोसा है तो ठीक है, ये इसी लायक है। ये सोच करके फिर वहां पर कन्या को लाया जाता है सजा धजा के, और वहां पर विवाह होता है, फेरे लगते हैं और लोग मंगल गीत गाते गाते भी रुदन गीत गाने लग जाते हैं, रोना आता है सबको। और मैना सुंदरी बस अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि मुझे इनकी किस प्रकार से सेवा करना है, मुझे जो स्वामी दिए हैं पिताजी ने वो बीमार हैं, और मुझे किस प्रकार इनकी सेवा करना है जिससे कि ये ठीक हो, मेरा जो कर्तव्य, वो अपने कर्तव्यों का विचार कर रही थी। और वहां पर विवाह विधि पूरी संपन्न हो जाती है, और जब विदाई की घड़ी आती है तब मां की क्या दशा थी इसका तो कोई चित्रण नहीं है। सारे प्रजाजन जैसे अयोध्या से राम जब निकले थे, तैयारियां राम के आने जैसे की थी इन्होंने उज्जैनी में, और विदाई समारोह राम की विदाई जैसा समारोह हो गया था। सबकी आंखों में आंसू, और उस समय किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, कुछ पंक्तियां और उसमें हमने जोड़ी थी। सीता भी लोकापवाद से वनवासिन बनकर रोई, होनहार टाले नहीं टलती, लाख जतन कर ले कोई, जैसी करनी वैसी भरनी, कौन से ठुकराएगा, तीर्थंकर भी फल पाएंगे कर्मोदय जब आएगा। और वो जो पंक्तियां हैं वो ऐसी है, सागर रोया रोई नगरिया, पर्वत भी तब थर्राया। विदाई हो रही है, सीढ़ियों से उतरकर महल की वो वर वधु विदा हो रहे हैं, और उनके साथ के जितने कोढ़ी लोग थे वो थोड़े दूर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहे थे। वो सारी जनता के बीच में घुल मिल करके तो नहीं खड़े हो पा रहे थे क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी थी, लेकिन श्रीपाल और मैना सुंदरी जब वहां से निकलते हैं तो सागर रोया रोई नगरिया, पर्वत भी तब थर्राया। और एकदम जब विदाई की वेला आ गई और आंखों से ओझल होने लगी, जब बारात वो जाने लगे श्रीपाल मैना सुंदरी, तब एकदम जो दुर्बुद्धि का प्रकोप था राजा प्रजापाल की बुद्धि पर, वो जब बेटी आंखों से दूर होने लगी, पूरी विदाई संपन्न होने लगी, आई विदाई की बेला तब बाप का दिल भी भराया। तब उस पिता को एकदम एहसास हुआ कि अरे ये क्या कर डाला, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है, मैंने ये कैसा निर्णय ले डाला, और ये सचमुच मैंने अपनी पुत्री को दे दिया एक कोड़ी के लिए। उस समय राजा प्रजापाल एकदम अंदर जाते हैं महल में, महल में उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर एकांत में जाकर के एकदम शरीर पूरा ढीला पड़ जाता है, और एकदम अपनी सेज पर जैसे कोई मूर्छित होकर गिरता है। राजा दशरथ जिस प्रकार से गिर पड़े थे कई कई माता के वरदान मांगने पर, वैसे वो गिर जाते हैं। तब रानी निपुण सुंदरी आकर के उनका उपचार करती है, और यहां पर श्रीपाल मैना सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि समय जो होता है वो रुकता नहीं है, बड़ी घटना हो छोटी घटना हो वो अटकता नहीं है, समय कभी थमता नहीं है। तो समय व्यतीत होता रहा, हफ्ते भर बहुत जोर शोर से वो चर्चा रही सारे नगरवासियों में,
फिर उसके बाद 2 हफ्ते में थोड़ी कम हो गई, फिर 1 महीने में और कम हो गई, और लगभग 1-2 वर्ष बीत गए। तब वो बात कभी कभी किसी किसी को याद आ जाती थी कि यहाँ भी हमारी नगरी में कोई राजकुमारी थी और वो अब चली गई है। लेकिन मैना सुंदरी का क्या हुआ? उसने रात दिन एक कर दिए और पति की सेवा, जिस प्रकार सीता ने महलों के सुख छोड़कर राम के साथ जंगलों में भ्रमण करना स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार मैना सुंदरी ने भी श्रीपाल की सेवा को स्वीकार किया और सब राजघराने के सुखों को छोड़कर रात दिन एक कर दिया। भोजन के समय, शयन के समय, हर समय वो पति की सेवा में संलग्न रहती थी। एक रात जब वो सेवा कर रही थी, अब कभी कभी करवट लेते समय भी श्रीपाल को बहुत वेदना हो जाती थी, क्योंकि अगर शरीर का कोई हिस्सा ज्यादा दब जाए तो वहां की त्वचा फट जाती थी, तो बहुत संभाल करके करवट लेवाना पड़ता था, और फिर उसमें से इतनी मवाद निकलती थी कि उस मवाद की दुर्गंध से किसी को मूर्छा आ जाए। पर मैना सुंदरी ग्लानि रहित होकर पति की निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहती थी और हमेशा कुछ धार्मिक वाक्य सुनाते रहती थी और उनको मनोबल प्रदान करती रहती थी। जैसे कभी कभी श्रीपाल एकदम टूट जाते थे, बड़े धीर वीर थे, वज्र वृषभ नाराज संघनन के धारी तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी महापुरुष, लेकिन उस संकट की घड़ी में उनका धैर्य भी कभी कभी टूट जाता था, विचलित हो जाते थे। उनको कभी कभी मैना सुंदरी की सेवा देख करके बहुत पीड़ा होती थी कि देखो मैंने कहां से आकर राजा से ये मांगी मैना सुंदरी, और फिर राजा ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए इसका ब्याह मेरे साथ कर दिया। कभी कोई कर ही नहीं सकता था ऐसा, कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन राजा बड़े दयालु बड़े कृपालु थे कि जिन्होंने इतना बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया, लेकिन इसमें मेरा दोष है, मैंने इसको सुखों के से हटा करके दुख समुद्र में डुबा दिया है, ये दिन रात मेरी सेवा करते रहती है, और मैंने पिछले जन्म में तो जो पाप किया सो किया, लेकिन इस जन्म में मैं इससे सेवा करा करके और नए पाप कमा रहा हूं। बहुत दुख होता है श्रीपाल को, लेकिन वो अर्धांगिनी सती उसके मन की भाव को ताड़ करके एकदम संबोधन देती थी, किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चारा, औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। बार बार संभल देती थी, लेकिन श्रीपाल का मन एक दिन बहुत अधीर हो गया। उसने मैना सुंदरी से कहा कि देखो मैना सुंदरी, बहुत सेवा की तुमने, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता उतनी तुमने सेवाएं की है मेरी, लेकिन अब मुझसे देखा नहीं जाता, मैं ठीक होकर के तुमसे मिलूंगा, तब तक मेरी हार्दिक भावना यह है कि तुम अपने पिता के यहां रहो। तब मैना सुंदरी की आंखों में पहली बार आंसू आ जाते हैं, वो कहती है कि स्वामी मेरा क्या अपराध है, क्या वृक्ष से छाया दूर रह सकती है, सुख में तो सब साथ देते हैं लेकिन अगर संकट में सती पति का साथ न दे तो फिर वो सती कैसी। आप यहां पर इस प्रकार से कष्ट भोगे और मैं महलों में रहूं, ये कैसे संभव है? यदि मेरा कोई अपराध हो गया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। एकदम गला भर आता है, फिर रोना प्रारंभ कर देती है, पैर पकड़ लेती है। तब श्रीपाल का हृदय भी बिल्कुल द्रवित हो जाता है। श्रीपाल एकदम अपेक्षा, श्रीपाल ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति होगी इनको बोलने पर। तो श्रीपाल ने कहा कि तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है,
लेकिन तुम्हारी सेवाओं को देख करके मुझे बहुत पीड़ा हो गई थी। बोले कि नहीं, मेरी जो सेवा है वो आपके सुख के लिए है, और जो आपका सुख है वो मेरा सुख है। तो मैना सुंदरी बोलती है कि मेरे कोई भी अपराध हो मैं सब प्रायश्चित करने को तैयार हूं, आप मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन इतना बड़ा दंड मैं नहीं सहन कर सकूंगी। आपसे दूर होते ही मेरी सांस निकल जाएगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं तो काया मात्र हूं, प्राण तो आप हैं। तब फिर श्रीपाल बोलता है कि अब कभी दोबारा मैं तुमको अलग होने के लिए नहीं कहूंगा। तब फिर मैना सुंदरी फिर लगी रहती है सेवा में। कभी कभी सेवा करते जो बहुत प्रयास करने के बावजूद श्रीपाल की व्याधि में कोई आराम नहीं मिलता था, तो मैना सुंदरी भी बैठे बैठे कभी उनको नींद लग जाती थी, और फिर मैना सुंदरी बैठे बैठे ऐसे चिंता की मुद्रा में कुछ सोचते रहती थी। मन में विचार आता था कि ये निश्चित ही किसी तीव्र निकाचित या निधत्त कर्म का परिणाम है। पत्थर की लकीर जैसे जो कर्म होते हैं वो उसका फल भोगना ही पड़ता है जीव को। पता नहीं मेरे स्वामी से ऐसी कौन सी भूल हो गई इस जन्म में। बहुत खेदखिंड रहती थी। तब फिर श्रीपाल उनको सांत्वना देते थे कि चिंता मत करो, कोई भी विभाव स्थायी नहीं होता, अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन, ये क्रम संसार का चलता ही रहता है। जैसे प्रकृति में अमावस्या फिर पूर्णिमा फिर अमावस्या फिर पूर्णिमा, ये क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को समय समय पर समझाते रहते थे, संबोधन देते रहते थे, कुछ जिनेंद्र भगवान की वाणी के वाक्य सुनाते देते थे, और समय निकलता जा रहा था। बहुत समय बीत गया लेकिन व्याधि में थोड़ा भी आराम नहीं मिल सका। सब प्रकार की दवाइयां, सब प्रकार के उपचार निष्फल हो गए। तो एक बार मैना सुंदरी जब मंदिर जी गई, मंदिर जी ने जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना आदि की, गुरु महाराज की वंदना की, और फिर गुरु महाराज के पास जैसे प्रणाम करके ऐसे बैठी, तो फिर मैना सुंदरी की मुख मुद्रा को देखकर गुरु महाराज समझ गए कि कोई संकट है इसके जीवन में, जरूर कोई ना कोई संकट है। तो फिर कहते हैं कि पुत्री तुम दुखी क्यों हो? तो फिर मैना सुंदरी कहती है कि गुरुवर आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या बताऊं और फिर आपसे क्या मांगूं? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे स्वामी कैसे ठीक होंगे, क्या उनकी व्याधि का कोई उपाय इस पृथ्वी पर नहीं है? क्योंकि जितने उपाय मुझसे बन सके मैं सब कर चुकी, क्या कोई भी उपाय नहीं बचा? तब गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, अभी तुमने सब उपाय नहीं किए हैं, तुमने शरीर के उपचार के बहुत से उपाय किए हैं, लेकिन जब तक उनके कर्मों का उदय है तब तक वो सारे उपाय काम नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम चिंता छोड़ो, तुम्हारे स्वामी अवश्य ठीक होंगे और सिद्ध चक्र की तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी। फिर मैना सुंदरी पूछती है कि सिद्ध चक्र की आराधना की विधि क्या है? तब गुरु बताते हैं उत्कृष्ट विधि, वर्ष में तीनों अष्टांगिकाओं में आठ आठ उपवास पूर्वक
सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन करते हुए बड़ी भव्य पूजा का समारंभ करना और साथ में कुछ जाप भी होती हैं और वो जाप पे मंत्र गुरु महाराज मैना सुंदरी के लिए प्रदान करते हैं। तो फिर मैना सुंदरी कहती है कि मैं इस विधि को स्वीकार करती हूं। गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते हैं और फिर वो उस विधि को प्रारंभ कर देती है। उत्कृष्ट विधि मध्यम विधि में जल ग्रहण किया जाता है और जघन्य विधि में एकाशन अथवा एक उपवास एक आहार एक उपवास एक आहार ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की जिसकी जितनी क्षमता होती है उस प्रकार से उस विधि को संपन्न करता है। 8 वर्षों में विधि पूर्ण होती है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। सारी जानकारी देने के बाद में मैना सुंदरी गुरु के चरणों में कुछ अर्पित करके कायोत्सर्ग पूर्वक संकल्प ग्रहण करती है कि मैं सिद्ध चक्र की आराधना करूंगी। और यही विधि है कि गुरु के चरणों में कुछ अर्पित करके ही कोई भी संकल्प ग्रहण किया जाता है, कायोत्सर्ग करके। ऐसा नहीं कि महाराज ठीक है मैं करने को तैयार हूं उठ के चले, नहीं, गुरु के पास जब नियम लेते हैं तो कुछ अर्पित करके फिर कायोत्सर्ग करके शुभ मुहूर्त आदि को देख करके वो नियम ग्रहण करते हैं और फिर गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र की आराधना प्रारंभ की और सिद्ध चक्र विधान में बहुत सबसे बड़ा विधान है संसार का, पूजन विधान में सबसे उत्कृष्ट और सबसे महान विधान सिद्ध चक्र विधान है। उसमें किस प्रकार सिद्ध अवस्था तक जीव प्रगति करता है उसका विस्तार के साथ वर्णन है। और अगर संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान कभी कहीं मिले आपको और कोई उसके काव्यों को समझाने वाला मिल जाए तब समझना कि आपके जीवन में आपका भाग्य खुल गया है। बड़े भाग्य से ऐसा संयोग मिल सकता है कभी मिल जाए तो। पिछले वर्ष जहां हमारा वर्षायोग हुआ था चातुर्मास, वहां पर भी सिद्ध चक्र विधान हुआ था और जो ब्रह्मचारी जी आए थे वो बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे और वो बीच बीच में जितने भी पद आते थे अर्घ चढ़ाते थे तो वहां पर वो समझाते जाते थे कि इसका ये अर्थ है इसका ये अर्थ है। तो लोग बहुत आनंदित हुए थे, बोले कि कार्यक्रम जैन समाज में बहुत से होते हैं लेकिन इस प्रकार अर्थ समझा करके जो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अर्घ समर्पण करने का जो क्रम चला है इस विधान में वैसा आनंद जीवन में पहली बार मिल रहा है, ऐसा कई लोगों का अनुभव था उस समय। ब्रह्मचारी विनोद जी आए थे और बहुत भव्य विधान हुआ था और उसको कोई भूल नहीं सकता। इस प्रकार का वो अर्थ के साथ जब समझ में आता ना तो क्या होता है कि पंडित जी अर्घ पढ़ रहे हैं और फिर श्रावक लोग एक थाली से इधर से उठा करके इधर रख देते हैं, चलो अक्षदान निरुपमामि थी चंदन निरुपम हो गया विधान खत्म। और बीच में बैंड बाजे बज गए, कुछ स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए और खेल खत्म, अष्टांग का पर्व पूरा नहीं। उसमें जो श्रद्धा और भक्ति का रस प्रवाहित होना चाहिए वो हो तो उसका आनंद वास्तविक है, वरना तो क्या है कि फिर बैंड बाजों की आवाज का जो आनंद आता है वो तो मात्र कर्णेंद्रिय का सुख है, उसका भक्ति से क्या संबंध है। फिल्मी गीतों पर आधारित बहुत सारे भजन बहुत से लोग गाते हैं बजाते हैं और लोग भी झूम लेते हैं थोड़ा बहुत, और कई बार उन गीतों को दूर से सुनने वालों को लगता है कि यहां पर वो सॉन्ग चल रहा है, जो उनके परिचय में है उनको वही लगता है। तो ये चीज भी आ गई है अभी, लेकिन मैना सुंदरी ने बहुत भव्य विधान किया और वो जो भगवान के अभिषेक का गंधोदक होता था उसको लाकर, इसी कार्तिक महीने की घटना है कि कार्तिक मास में जब वो विधान करती थी तो वो गंधोदक ले जा करके, वो पूरा विश्वास था उसमें कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गंधोदक से क्या होता है, पिछले वर्ष भी एक चर्चा निकली थी कि तुम लोग मानते हो क्या
कि गंधोदक से कुछ होता है, मतलब इस प्रकार उसको इतना नीचे गिरा देते हैं सामने वाले को कि गंधोदक से मानने वाला जैसे मान लो महान मिथ्या दृष्टि हो, गंधोदक से कुछ हो जाए इसको मानने वाला मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन फिर जब हमें थोड़ा सा बोलने का वहां पर एक प्रसंग आया तो फिर हमने कुछ गाथाएं सुनाई उनको कि गंधोदक का क्या महत्व होता है। क्या है कि अपन जैन आगम से हट करके बात नहीं करना चाहते, जो भी है शास्त्रोक्त बात होनी चाहिए। किसी के मन में कोई तर्क कुतर्क चल रहा हो, वो अपने तर्क कुतर्क के आधार पर कोई भी उल्टा सीधा फैसला सुनाकर चले जाए आपके सामने, और आप सोचो कि चलो भाई इसने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे एक नमोकार मंत्र पर एक दो पुस्तकें निकली है, वैसे तो बहुत सी पुस्तकें निकली है, उन एक दो पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें लिखी है नमोकार मंत्र को लेकर के कि उस पर तर्क से विचार करने पर बहुत लोगों का दिमाग चकरा जाता है और स्वीकार कर लेते हैं कई बातों को। जैसे उसमें ये लिखा कि एसो पंच नमो सबो पाओ पणा सुनो मंगलानंद सभ्य सिंह पड़म हवई मंगल, ये पंच नमस्कार सब पापों को नष्ट करने वाला है और उसको प्रथम मंगल माना गया सर्व मंगलों में। अब इस पंच नमस्कार से सब पाप नष्ट होते हैं, देखो तर्क करने वाले ने एक शंका रख दी है पाठकों के सामने उस पुस्तक में, उन्होंने एक शंका रखी कि यदि नमोकार से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर नमोकार में जिनको नमस्कार कर रहे हैं ऐसे सुकमाल स्वामी सुकौशल स्वामी आदि बड़े बड़े जो उपसर्गों को सहने वाले मुनि हुए हैं उनके ऊपर वो उपसर्ग पुण्य से आया या पाप से,